दोस्तों, मैडोना जो एक पॉप स्टार है वो प्रॉबरली हमारे जेनरेशन की या कम से कम मेरे जेनरेशन की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉप स्टार्स में से होगी। रिसेंटली बिलबोर्ड ने उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2016 के लिए एक अवार्ड दिया है और इस अवार्ड में उन्होंने एक स्पीच दिया है। वो स्पीच सुनने के बाद मेरा जो परसेप्शन था मैडोना का वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। देखिए, होता क्या है कि जब हम इन वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार्स या रॉक स्टार्स के बारे में सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ एक पार्टी है, क्योंकि उनके पास इतना नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, वेल्थ है कि उन्हें कुछ काम या स्ट्रगल करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो चीजें अपनी लाइफ के बारे में रिवील की है, मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग विल और आयरन लेडी है जिसकी वजह से वो आज इस लेवल तक पहुंची है। उन्होंने अपने स्पीच में ऐसी कुछ चीजें कही अपनी लाइफ के बारे में। वो एक टीनेजर थी जब वो न्यूयॉर्क आई और उन्होंने कहा न्यूयॉर्क उनके लिए एक बहुत ही डरावना जगह था। वो एक बहुत ही अनसेफ एरिया में रह रही थी क्योंकि वो एक पुअर बैकग्राउंड से आई थी, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। और उन्होंने कहा जैसे ही वो आई, कुछ ही देर में उन्हें गन पॉइंट पे एक किसी ने रॉबरी कर लिया। उनके साथ उनके घर में रॉबरी इतनी बार हुई कि उन्होंने कहा उन्होंने अपना दरवाजा लॉक करना ही बंद कर दिया। नाइफ पॉइंट पे इन्हें रेप भी किया गया। इनके जो भी फ्रेंड सर्कल थे वो या तो ड्रग से मर गए, एड से मर गए, या पुलिस गनशॉट से मर गए, क्योंकि वो इस टाइप के सर्कल में घुमा करती थी। ये सब बैकग्राउंड बताने के बाद उन्होंने ये कहा कि आज वो जो भी है वो अपने इस बैकग्राउंड की वजह से है। मतलब जो भी उनके साथ हुआ है, अच्छा या बुरा, आज वो जो भी इंसान है वो सब उन एक्सपीरियंसेस की वजह से है। उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, जैसे मैंने कहा, फीमेल ऑफ द ईयर के लिए। और उन्होंने शेयर किया कि एक पॉपस्टार होते हुए भी उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे एक फीमेल होने की वजह से। मैडोना ने कहा कि एक फीमेल के लिए ब्यूटीफुल दिखना जरूरी है, सेक्सी दिखना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट, आप क्या फील करते हैं वो शेयर करेंगे, लोगों को वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। यही चीजें अगर एक मेल पॉपस्टार करे वो ठीक है उनके लिए, क्योंकि वो एक मेल पॉपस्टार है। मीडिया ने उन्हें ऐसी चीजें बुलाई जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन बहुत ही नास्ती चीजें थी। ऑलमोस्ट ऐसा था कि पूरा वो चाहते थे पूरा अमेरिका मैडोना के अगेंस्ट हो। तो इस फेज में जब वो एक पॉपस्टार थी और पूरा का पूरा मीडिया उन्हें हेट करने का डिसीजन ले लिया था, पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए पोइट्री पढ़ते थे और किताबें पढ़ते थे, और वो ये चाहते थे कि काश उनके पास एक फीमेल रोल मॉडल हो जो उनके स्टेजेस से जा चुकी है, जिसकी तरफ वो देख सके और इंस्पायर होके रियलाइज कर सके कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं या कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रोल मॉडल था नहीं उनके लाइफ में, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खुद ही एक रोल मॉडल बनेंगे, चाहे मीडिया उन्हें एक बैड रोल मॉडल क्यों ना कहे। ऐसी डिसीजन हर कोई नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत ही, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, बहुत ही जिगर चाहिए। क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट के तौर पर इस स्पीच में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मर्द रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो मर्द है, इसलिए क्योंकि वो डिजर्विंग हो, तभी आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। उन्होंने कहा कि उनके लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा ही रही है या वो क्रिएट की गई है, लेकिन सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी उनके हिसाब से ये है कि वो आज भी यही पर है एक पॉप स्टार की तरह। उन्होंने अपने स्पीच में तीन बहुत बड़ी चीजें कही है। सबसे पहले ये कि उनके पास जो भी है, अच्छा बुरा और उनकी आवाज भी, वो सब एक गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, वो सब उनकी चीजें नहीं है। दूसरा ये, उन्होंने फाइनली एक थैंक्स कहा सबको और उन सब जर्नलिस्ट को, उन सब मीडिया को जिन्होंने उनको इतना क्रिटिसाइज किया कि वो आज जो भी है वो सब उनके क्रिटिसिज्म की वजह से ही वो आज यहाँ पे खड़ी है, एक स्ट्रॉन्ग विल लेडी जो ये अवार्ड ले रही है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो थी वो उन्होंने ये कही कि आपके पास कोई भी अश्योरेंस नहीं है लाइफ में, किसी भी चीज की अश्योरेंस नहीं है, किसी भी इंसान की अश्योरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज की अश्योरेंस पे आप डिपेंड कर सकते हैं और वो है आपकी खुद की सेल्फ बिलीफ। तो मैं समझता हूँ ये सब सुनने के बाद आपका भी मैडोना का परसेप्शन जरूर चेंज हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि आज वो जो भी पोजिशन पर है उन्होंने वो सब अर्न किया है, क्योंकि इतने सालों जब मीडिया, जब पब्लिक आपके अगेंस्ट बात करती है और उसमें से हर बार बाहर निकलना, हर बार एक हिट एल्बम बनाना, फिर भी एक टॉप लेवल के पॉपस्टार पर अपने आप को सस्टेन करना,
उसके लिए डेफिनेटली नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए। मैं इस लेडी को सल्यूट करता हूँ, चाहे जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज उन्होंने झेली है, उनका जो पोजिशन है उन्होंने डेफिनेटली वो अर्न किया है। तो उम्मीद है कि पॉप स्टार का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ टेकअवे मिला होगा मैडोना की स्टोरी से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।